देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में जनरल की पत्नी और सेना के अन्य अफसरों समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। जनरल रावत का पार्थिव शरीर आज कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा। कल शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे। इसके बाद छावनी इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा। कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। कल हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को दिल्ली में CDS रावत का अंतिम संस्कार होना है। दिल्ली में छावनी इलाके में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली आज लाया जाएगा CDS रावत का पार्थिव शरीर। कुन्नूर से दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर और शुक्रवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। कल हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS रावत समेत 13 लोगों की दुखद मृत्यु से पूरा देश सन्न है। शुक्रवार को दिल्ली में CDS रावत का अंतिम संस्कार। अभी हम नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में हैं और जिस जगह का नाम है काटेरी। यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ही ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था। उसमें अनफॉर्चुनेटली 14 पीपल डाइड। इस ऑल्सो इंक्लूडेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। उन सब लोगों का मॉर्टल रिमेन्स को अभी वेलिंगटन बेस में लेकर गए हुए हैं और सुबह से यहां पे आर्मी पर्सनल और एयरफोर्स पर्सनल आ जा रहे हैं। जो वो हेलीकॉप्टर का डेब्री भी यहां पे ही है। सो लाइक इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा तैयार हो रहा है यहां पे और पुलिस भी मौजूद है। ये यहां पे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन अभी भी हैं। अभी बोल रहे हैं कि लाइक पहले वेलिंगटन में अराउंड 8 o'clock गॉड ऑफ ऑनर का सेरेमनी होगा। उसके बाद मॉर्टल रिमेन्स को सूलूर एयरफोर्स लेकर वहां से दिल्ली दे विल फ्लाई इट। सो प्रेजेंटली यहां पे यही तो इतना ज्यादा पुलिस है और नोबडी इज अलाउड नियर द क्रैश स्पॉट। विद वीर जिबियन प्रमोद माधव आज तक। तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी जो कि उस इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी आपको दे रहे थे। दरअसल कल दोपहर करीब 1 बजे इस घटना की खबर सामने आई और इस वक्त तक भी इस हादसे के पीछे की वजह का साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। ये अभी भी जांच का विषय है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी और जांच की जाएगी कि आखिर ये बड़ा हादसा कैसे हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है जिनमें शामिल थे CDS बिपिन रावत। दिवंगत जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल यानी शुक्रवार को दिल्ली के छावनी इलाके में होगा। कल ही उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों की तैयारी की गई है जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके करीबियों और रिश्तेदारों को दिल्ली लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बीच देश भर में जनरल को श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। एक वीर सपूत के यूं अचानक दुनिया छोड़ जाने से पूरा देश सन्न है। सेना का सर्वोच्च पद संभालने वाले जनरल बिपिन रावत सेना के हर तबके के लिए तो सम्मानित थे ही, आम लोगों के बीच भी उनकी छवि क्या थी, देश भर से आ रही श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। गृह राज्य उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमाम राज्यों में लोगों ने जनरल रावत की तस्वीर के आगे दिए और मोमबत्तियां जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट की और एक सैनिक के लिए अमरता का वरदान मांगा। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड से जनरल रावत का खास नाता रहा है। वो यही जन्मे और पले बढ़े, लिहाजा उनके ज्यादातर रिश्ते नाते भी इसी जमीन पर है। ये वीडियो साल 2019 का है जब जनरल रावत उत्तरकाशी के थाती गांव आए थे जो उनका ननिहाल है। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए वो उस स्कूल को भी देखने गए जहां उनकी माँ पढ़ा करती थी।
भाई भाभी और बाकी परिवार से मुलाकात की और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में बात की। गांव लौटने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जरूर गांव में रहेंगे। और हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले इस तरह हंसी खुशी मिलकर गए विपिन रावत अब कभी अपने ननिहाल नहीं लौट पाएंगे। ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। और उनका जो सकुशल व्यवहार और उनकी जो सच्ची देशभक्ति थी, आज उसे देश हमेशा याद करेगा। पौड़ी का सैड़ गांव जनरल रावत का पैतृक गांव है, यहाँ भी उनके निधन की खबर पहुंचते ही सन्नाटा पसर गया। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सोहागपुर में उनकी ससुराल थी, यानी उनकी पत्नी मधुलिका का मायका। रिश्तेदारों के मुताबिक बहन और बहनोई जल्द ही शहडोल आने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही ये दुखद खबर आ गई। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था, तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोगों की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे, उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का, ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। तो हम लोग इस इंतजार में थे कि कब जनवरी आए और कब वो पधारेंगे, लेकिन अब इस दुखद हादसे के बाद से तो अच्छा नहीं लग रहा। देश भर में शोक की लहर के बीच दिल्ली में सेना अपने जनरल को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटी है। आज शाम दिल्ली लाया जाएगा जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर। दिल्ली के आवास पर होंगे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन का वक्त शुक्रवार 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। दोपहर 2 बजे के बाद कामराज मार्ग से छावनी तक जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा निकलेगी। शुक्रवार को ही दिल्ली कैंट के श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुन्नूर में हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद को जानकारी देंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से विकास, शहडोल से राघवेंद्र शुक्ला और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।